हेलो दोस्त, आपको जान के हैरानी होगी कि किसी भी आरआरबी का कट ऑफ देखिए, डिजिट आपको कुछ अलग टाइप पे दिखेगा। ये कैंडिडेट का कमेंट है कि देखिए, कैंडिडेट का स्कोर तो नेगेटिव मार्क्स 1/3 के टर्म में था, और पूरे पूरे कट ऑफ देखिए, कोई भी ऐसा कट ऑफ नहीं दिखेगा जो आपको उस 1/3 या 0.33 के रेशियो में हो। तो स्कोर 0.33 के रेशियो क्या हो सकता है? एक होगा, 0.3333 वाला होगा, और 0.66 वाला होगा। लेकिन कट ऑफ आप एनटीपीसी का देखेंगे तो उस रेशियो में नहीं होगा। तो आज इसी वीडियो में थोड़ा सा यही पे डिस्कस डालने वाला है पॉइंट, कि कैंडिडेट का स्कोर 0.33 होना चाहिए था जब नेगेटिव था, 0.3 नंबर एक गलत नंबर काटने करने का, और गलत सबकी हुई है क्वेश्चन। लेकिन स्कोर इस तरह से क्यों दिया हुआ है और कट ऑफ इस तरफ से अलग अलग क्यों हो रहा है? और दूसरी अपडेट, यहाँ पे कैंडिडेट का स्कोर के बाद अभी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की बहुत पोस्ट खाली होगी। एनटीपीसी के रिजल्ट आने के बाद आरआरबी के इंटरनल खबरों से सूचना आ रही है, कैंडिडेट का फीडबैक से आ रहा है, करीब करीब एनटीपीसी में अगर 35,281 वैकेंसी है तो करीब करीब इसमें से अभी जितने लेवल का रिजल्ट आ गया है उसमें से 5 से 10% कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। हालांकि हायर लेवल 5 और 6 है, हालांकि 2 और 3 में शायद इतना नहीं होगा, 5-6 में 5% तक कैंडिडेट हैं। यानी अगर 35,000 का कह दे तो करीब करीब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो बहुत सारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के पोस्ट में होते हुए भी फॉर्म भरा है। एनटीपीसी की पोस्ट मतलब कहें कि लेवल 2 में है तो आगे वाला पोस्ट के लिए, एलपी टेक्नीशियन क्या है तो आगे वाले पोस्ट लेवल 6 लेवल 5 भरे हैं, ग्रुप डी में है तो ऊपर के लिए, और उनका सिलेक्शन भी अच्छे खासे संख्या में हो रही है। यानी अगर सीधी सीधी बात कर दे तो अगर कह दे तो 2-3 हज़ार कैंडिडेट वो भी हो जाएंगे जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और ख़ास करके रेलवे के ही जॉब में हैं। और ये वैकेंसी पे अंतर पड़ेगा, न्यू वैकेंसी में ऐड हो सकता है। तो अभी देखिए क्या क्या होता है जैसे रिजल्ट आता है। लेकिन अब कैंडिडेट का कमेंट जो था उसको, नेगेटिव वाला स्कोर को सॉल्व करते हैं। कोई ज़्यादा इशू तो नहीं है, टेक्निकल रीज़न मिल गया है, इसके लिए कोई आपको ढूंढना नहीं है। कोई भी वेबसाइट पर चले जाइए, मैं चंडीगढ़ पर जाता हूँ तो चंडीगढ़ पर लेवल 5 का रिजल्ट आ गया है। और अभी लेवल 5 का रिजल्ट कौन कौन से आया है तो चेन्नई का आ गया है, अजमेर का आ गया है, आपका भुवनेश्वर का आ गया है, उसके बाद सिलीगुड़ी का, गुड्स गार्ड्स का आ गया है, उसके बाद चंडीगढ़ का आ गया है, जम्मू का आ गया है, और एक आरआरबी कल आया है जो सिकंदराबाद का बात हो रहा है जिसका कटअप नहीं आया है। तो 7 आरआरबी का रिजल्ट आ गया है जो हमने ऑलरेडी शेयर किया है लोगों के साथ। तो इसको कटअप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कटअप देखिएगा ना, तो सभी कटअप वैसे ही दिखेगा आपको। देखिए 82.68, 75.9694, जबकि होनी क्या चाहिए थी 76.3333 या कुछ इस डिजिट में होनी चाहिए, या 76.6666 होनी चाहिए, या पूरा 76 स्कोर होनी चाहिए थी। ये तीनों में से नहीं होके कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इसमें है। तो इसका कारण क्या है? कैंडिडेट ने ऑब्जर्वेशन अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा इसको सोचने की ज़रूरत था यहाँ पे, क्या पॉइंट पे, तो चंदन कुमार जी को थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए था कि ये बात है, सही है आपकी बात। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जब आपकी स्कोर कार्ड आई थी 120 में से, उस समय आपके टोटल इग्नोर क्वेश्चन आपके डिपेंड बहुत मायने करता है। हालांकि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या क्या पे डिपेंड करता है तो मैं बता दूँ, एक तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर और दूसरा आपका स्कोर किसके बारे में। तो कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी ये देखेगा 76.667 वाला, ये सब कैंडिडेट का स्कोर है, रॉ स्कोर। उसके बाद प्रो रेटेड स्कोर क्यों चेंज हो रहा है? जब क्वेश्चन इग्नोर हुआ है, जिसके कारण से ये स्कोर का कटअप इस तरह से दिख रहा है। हालांकि ऑब्जर्वेशन देखिएगा, और कुछ लोगों का तो सोशल मीडिया पे इतने हावी हो गए हैं कि दूसरे वेबसाइट से देखते हैं जहाँ पे उनको नंबर उसी फॉर्म में दिखेगा, 84.333, 94.666 या जितने डिजिट तक ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 6 बन, इधर इधर जितना भी जाएगा तो 7, इसी फॉर्म में दिखेगा या पूरा दिखेगा फुल स्कोर। तो ऐसा ही है, इसका कारण एक ही है, सिंपल सी है, कि जितने
प्रश्न कैंडिडेट का अगर इग्नोर हो रहा है, वो कैंडिडेट का मार्क्स अगर प्रो रेटेड में कैलकुलेट होगा, वो तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, और फ्रैक्शन चेंज होने के बाद आपका कटअप जो बनेगा उसी हिसाब से बनेगा जो आपकी प्रो रेटेड स्कोर पे बन रही है। तो इसलिए घबराइए नहीं, आपका स्कोर बिल्कुल सही है और चंदन जी को क्वेश्चन भी सही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये इशू है कि जब कैंडिडेट का स्कोर जब देखा गया है तब उसमें प्रो रेटेड स्कोर यानी फाइनल स्कोर के रूप में। थैंक यू, धन्यवाद।